इधर चमोली में भारी बारिश की आशंका है। शासकीय गैर शासकीय स्कूलों में आज अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अवकाश की घोषणा कर दी है। शासकीय गैर शासकीय स्कूलों में आज अवकाश होने वाला है, क्योंकि भारी बारिश का जो संकेत मिल रहा है उसको लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन भी है। चमोली में भारी बारिश की आशंका, किस तरह से चमोली में सर प्रशासन ने इस हालात से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है, जानकारी लेते हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, भारी बारिश की आशंका चमोली में, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से, और अब गैर शासकीय और शासकीय स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है? जी देखिए पारो, सबसे बड़ी बात यही है जो है उत्तराखंड जिसको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है इस बारिश के मौसम में, और बारिश के मौसम में सबसे बड़ी बात ये मौसम विभाग और शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसी क्रम में जो भी एकदम तुरंत डिसीजन लिए जाते हैं, आज उसी क्रम में चमोली में जो है काफी बारिश की चेतावनी दी गई थी, उसी क्रम में जिलाधिकारी ने वहां पर पूरा एक शासकीय अशासकीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया, जो कि काफी अच्छा निर्णय है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। जी पारो, बिल्कुल, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो इसलिए पहले ही तैयारियां तो हैं ही, और स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी हानि ना हो या कोई दिक्कतें ना हो। बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। मौसम विभाग की तरफ से चमोली में अलर्ट किया गया है भारी बारिश को लेकर, और शासकीय गैर शासकीय स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अवकाश घोषित किया है, और प्रशासन की भी तैयारी है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है।